हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ इंदिरा और आज के वीडियो में मैं लाई हूँ आपके लिए एक बड़ा सा बैंगल हॉल। जो बैंगल्स मैंने ऑर्डर की हैं वो सिर्फ करवा चौथ के लिए नहीं है, राउंड द ईयर आप किसी भी ओकेजन में इन्हें डिफरेंट वेज में स्टाइल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इन डब्बों के अंदर क्या क्या है। सो जो फर्स्ट बैंगल मैंने ऑर्डर की थी वो इस तरीके के बॉक्स में आई थी। ये ग्लास की बैंगल्स हैं और मल्टी कलर्ड हैं। चलिए इन्हें खोल के देखते हैं। सो इस तरीके की बैंगल्स हैं, ये बहुत सारे इसमें कलर्स हैं। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, कोई स्पेसिफिक कलर की बैंगल्स नहीं ऑर्डर की हैं। इस तरीके की बैंगल्स ऑर्डर की हैं जो मल्टीपल ड्रेसेस के साथ चल जाए, मल्टीपल ओकेजन्स में काम आ जाए और आप इन्हें इस तरीके से भी पहन सकते हैं और मल्टीपल वेज में स्टाइल करके भी पहन सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे कलर्स हैं जैसे कि पिंक, ब्लू, येलो, रेड एंड ग्रीन। सो आप इनके बीच में इस कलर्स की कोई भी प्लेन बैंगल्स भी डाल के पहन सकते हैं। और ये एक तरीके के कड़े हैं क्योंकि अंदर जो है ये दो या तीन ग्लास की बैंगल्स को मर्ज करके ये एक कड़ा बनाया गया है। तो इस सेट में इस तरीके की 8 बैंगल्स आई थी और ये साइज़ जो मैंने ऑर्डर किया था ये 26 है। इन सभी प्रोडक्ट्स का कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो डू चेक इट आउट। नेक्स्ट जो सेट है वो भी एक ग्लास बैंगल्स का सेट है और ये एक मल्टीपल बैंगल्स का कॉम्बो है और ये इस तरीके के बॉक्स में आया था। इसमें भी मैंने अपना साइज 26 ही ऑर्डर किया था बट जो उन्होंने फर्स्ट टाइम डिलीवर किया वो 28 कर दिया था गलती से। सो मैंने इसके लिए मीशो में रिटर्न रिक्वेस्ट रेज किया और बहुत ईजिली जो रॉन्ग साइज की बैंगल्स थी वो पिकअप हो गई और ये दूसरी वाली एक्सचेंज होकर मुझे वापस आ गई। इस तरीके के बॉक्स में ये आई थी और इस तरीके की बैंगल्स हैं ये। लेट्स ओपन एंड सी। इस तरीके का ये पूरा सेट है, बहुत ही ब्यूटीफुल कलर्स हैं इसके अंदर और ये भी आप मल्टीपल वेज में पेयर कर सकते हैं। आपके डिफरेंट टाइप के सूट्स के साथ ये मैच हो जाएंगी। इसके अंदर आपको रेड मिल रही है, येलो है, डार्क ब्लू है, ये पीचिश पिंक कलर है, मैरून है और एक मल्टी कलर बैंगल है। इस तरीके का डिज़ाइन है इन बैंगल्स के ऊपर, बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोन वर्क है और यहाँ पे भी बहुत सुंदर अच्छी सी डिटेलिंग है। सेम कलर के बीड्स लगे हुए हैं यहाँ पे। सो इस सेट में आपको 4 बैंगल्स मिलेंगी 6 कलर्स की। इनको भी आप मल्टीपल वेज में वेयर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये बैंगल पहनी हुई है, इसके साथ में इसे पहन सकती हूँ और आगे भी इसी तरीके की बैंगल लगा के पहन सकती हूँ। इन बैंगल्स की क्वालिटी और जो फिनिशिंग है बहुत ही अच्छी है। सो आई रियली लाइक दिस सेट और ये टोटली वर्थ था फॉर द प्राइस आई पेड फॉर इट। क्योंकि लोकल मार्केट में जब मैंने पूछा तो इस तरीके का सेट 4 बैंगल्स का मुझे अराउंड 200-250 का वो कोट कर रहे थे। मीशो में मुझे इस पे बहुत ही अच्छी डील मिल गई और इस तरीके की जो बैंगल्स हैं ये हमेशा काम आती हैं। नेक्स्ट मैंने एक और मल्टी कलर बैंगल सेट ऑर्डर किया था और इस तरीके के बॉक्स में वो आया था और इस तरीके की बैंगल्स हैं ये। देखने में बहुत ही प्रिटी हैं और मेटल की ये बैंगल्स हैं। इसमें मेनली 3 कलर हैं, येलो, ग्रीन और रेड, और आप इनको भी मल्टीपल आउटफिट्स के साथ पेयर कर सकते हैं। और बीच बीच में इसमें इस तरीके से पूरा गोल्डन वर्क दिया गया है। वो साइड में 2 ब्रॉड गोल्डन बैंगल्स हैं और बीच में एक ब्रॉड कलरफुल बैंगल है। सो इस तरीके की बैंगल्स हैं ये, कलरफुल है और मेटल की बैंगल्स हैं ये। बीच में इस तरीके की ये पतली गोल्डन बैंगल्स हैं और यहाँ पे ये थोड़ा ब्रॉड है और ये मल्टी कलर बैंगल जो है ये भी थोड़ी ब्रॉड है, फिर अगेन पतली वाली बैंगल्स हैं। इस तरीके से ये एक सेट ये है और ये जो है ये दूसरा सेट है। बहुत ही सुंदर है, करवा चौथ में आप इसे रेड सूट के साथ पहन सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा। और उसके अलावा जितने भी इसमें कलर्स हैं उनके साथ पहन सकते हैं। सो मल्टीपर्पज़ बैंगल्स हैं। नेक्स्ट मैंने ऑर्डर किया इस तरीके का कंगन का सेट, ये इस तरीके के बॉक्स में आया था और इसी के अंदर आप इसे इजीली स्टोर करके रख सकते हैं, ट्रैवल करने के लिए भी इसी में कैरी कर सकते हैं। ये बैंगल्स आपने बहुत जगह देखे होंगे, लोकल मार्केट में भी ये इजीली मिल जाते हैं बट मीशो में ये मुझे अच्छे प्राइस पर मिल गए, सो आई जस्ट वेंट फॉर दिस। इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और यहाँ पे जो वर्क किया हुआ है, जो स्टोन लगे हुए हैं वो भी देखने में काफ़ी अच्छे हैं। क्वालिटी इनकी अच्छी है और फिनिशिंग भी इसकी बहुत अच्छी है, बिल्कुल भी चुभने वाला नहीं है ये। और इस तरीके से 4 बैंगल्स का सेट है, इसको भी आप अलग अलग बैंगल्स के साथ पेयर करके इसका जो है बड़ा सेट बना के वेयर कर सकते हैं। इंडिविजुअली भी आप इसे इसी तरह भी कैरी कर सकते हैं। दे आर रियली गुड फॉर फेस्टिव ओकेजन्स। नेक्स्ट जो बैंगल्स मैंने ऑर्डर की हैं वो एक तरीके से फिलर बैंगल्स हैं, यानी कि उसे आप अपने बैंगल के सेट के बीच बीच में लगा सकते हैं। सो ये इस तरीके के बॉक्स में आई थी और ये जो है इस तरीके की पर्ल बैंगल्स हैं और ये मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी। ऑल्दो लोकल मार्केट में ये इजीली मिल जाती हैं बट कोरोना की वजह से आजकल मैं बाहर ज़्यादा जाती नहीं हूँ, सो मैंने ऑनलाइन ये मीशो से ऑर्डर करना प्रेफर किया एंड काफ़ी रीजनेबल प्राइस में मुझे ये 12 बैंगल्स का सेट मिल गया। बहुत ही पतली सी स्लीक सी बैंगल्स हैं ये और बहुत ही छोटा छोटा इसमें पर्ल का वर्क किया हुआ है। आप ऐसे भी पहन सकते हैं और बाकी कलरफुल बैंगल्स के बीच बीच में भी लगा के इसको पहन सकते हैं। इससे जो बैंगल सेट का लुक है वो एनहांस हो जाता है और बहुत ही सुंदर और एलिगेंट लगता है।
नेक्स्ट मैंने ऑर्डर किया इस तरीके का बैंगल सेट, और ये जो है इस तरीके के बॉक्स में आया था, दो बैंगल्स का सेट है ये। और इस तरीके की बैंगल्स मेरे पास पहले भी हैं, मैंने पूना से लक्ष्मी रोड से इस तरीके की बैंगल्स ली थी, बट मुझे ऐसी दो और बैंगल्स चाहिए थी ताकि मैं दोनों हाथ में इसे आगे पीछे लगा के पहन सकूँ। सो आई ऑर्डर दिस फ्रॉम मीशो, और ये भी मुझे काफ़ी रीजनेबल प्राइस में मिल गई। क्वालिटी और फिनिशिंग इसकी काफ़ी अच्छी है, और इसी के साथ मैच करने के लिए मैंने ये रिंग भी पहनी थी जो कि मैंने आपको अपने पहले ज्वेलरी हॉल में दिखाया था। नेक्स्ट मैंने मंगाई है थोड़ी डिफरेंट सी बैंगल्स, और ये है बंगाली बैंगल्स जो बंगाली लेडीज पहनती हैं, और ये इस तरीके की कार्डबोर्ड बॉक्स में आई थी ऑल द वे फ्रॉम कोलकाता। इसे आने में थोड़ा टाइम लगा, बट आई वुड से द वेट वॉज वर्थ इट बिकॉज बहुत ही प्रिटी बैंगल्स हैं ये, इस तरीके की बैंगल्स हैं ये। फोर का सेट है ये, चार कड़े हैं इसके अंदर। इसमें आपको दो वाइट और दो रेड बैंगल्स मिल जाती हैं, और बंगाली लेडीज़ को आपने देखा होगा वो इस तरीके की बैंगल्स पहनती हैं डेली वेयर में, वाइट रेड और गोल्ड का कॉम्बिनेशन पहनते हैं वो लोग, और बहुत ही ब्यूटीफुल और एलिगेंट लगता है। सो बंगाल मेरी बर्थ प्लेस है, सो आई हैव अ काइंड ऑफ अ कनेक्शन विद इट। सो मुझे इस टाइप की बैंगल्स बहुत टाइम से चाहिए थी, सो मीशो पे मुझे अच्छी बैंगल्स दिख गई। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इन बैंगल्स को शाखा पोला कहा जाता है, और मीशो में आपको इसमें बहुत सारे डिज़ाइंस मिल जाएंगे, बट मुझे ये जो इसका यहाँ का डिज़ाइन है ये बहुत ही प्रिटी लगा, और ये एक प्रॉपर कंगन टाइप का लुक आता है इससे। सो इस डिज़ाइन की वजह से आप इसे बाकी बैंगल सेट के साथ भी पहन करके पहन सकते हैं, और राजस्थान में भी इस तरीके के कलरफुल कड़े पहने जाते हैं, और आप इसे अपने राजस्थानी बैंगल्स के साथ चूड़ा के साथ मैच करके, मिक्स एंड मैच करके पहन सकते हैं। सो आज का जो लास्ट बैंगल सेट है वो है ये ब्यूटीफुल सा चूड़ा, और ये जो है काफ़ी टाइम से ट्रेंड में है, राजस्थानी चूड़ा है। मैं पंजाबी हूँ तो मेरे पास एक पंजाबी चूड़ा ऑलरेडी है मेरी शादी का, बट ये इस तरीके का जो राजस्थानी चूड़ा है ये आजकल बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है, और मीशो में आपको इसमें बहुत ही ब्यूटीफुल से कलेक्शन मिल जाएगी। करवा चौथ के लिए तो ये बहुत ही अप्रोप्रिएट है, उसके अलावा भी आप इसे मिक्स एंड मैच करके पहन सकते हैं। इसमें आपको इस तरीके के दो सेट मिल जाएंगे, और एक हाथ का जो सेट है ये काफ़ी बड़ा है, इसमें बहुत सारी बैंगल्स हैं। ये जो है ये एक हाथ का सेट है और काफ़ी सारी बैंगल्स हैं, इसमें आपका हाथ जो है पूरा भर जाएगा। इसमें जो है मेरा साइज 26 है, तो अंदर की जो बैंगल्स हैं उनका साइज 26 है, और ये जो साइड के बैंगल्स हैं इनका साइज थोड़ा बड़ा होता है। इसको भी मैंने इसलिए ऑर्डर किया है कि इसकी जो इंडिविजुअल बैंगल्स हैं आप उसे मल्टीपल वेज में स्टाइल करके पहन सकते हैं। ये जो कड़े हैं इतने सुंदर हैं, इतना सुंदर इसमें वर्क किया गया है, इस तरीके का कुंदन का वर्क है इसमें। जो ये सेकेंड बैंगल है वो एक कुंदन की बैंगल है, रेड कलर का इसका बेस है, उसके बाद एक ये वाइट ऑफ वाइट कलर की बैंगल है, फिर ये एक ग्रीन बैंगल है जिसमें इस तरीके का पूरा ब्यूटीफुल सा वर्क किया है, उसके बाद अगेन सेम वाइट बैंगल है, सेम रेड बैंगल है, और फिर ये इस तरीके की वाइट बैंगल है जिसके ऊपर की पर्ल का वर्क किया हुआ है, और नीचे इस तरीके की झालर लगी है इसमें, और सेंटर में ये ब्यूटीफुल सा बड़ा सा कड़ा है जिसके अंदर बहुत ही सुंदर कुंदन का वर्क है, पर्ल का वर्क है, और साइड में फिर से वही सेम बैंगल्स यहाँ पे रिपीट की गई हैं। तो आप इसको मल्टीपल वेज में स्टाइल कर सकते हैं, और जो है इस तरीके से सिर्फ ये बैंगल का सेट भी आप कैरी कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लगेगा, और ये भी पहनने में उतना ही ब्यूटीफुल लगेगा। इस कड़े को भी आप ऐसे ही इंडिविजुअली कैरी कर सकते हैं, काफ़ी हैवी लुक है इसकी, और इसकी फिनिशिंग वगैरह आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर है। अपने आप में ये कंप्लीट बैंगल सेट है, और पूरा जो सेट है वो पहनने के बाद तो जो लुक आती है वो तो अल्टीमेट है ही। सो मीशो में ये चूड़ा मुझे काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मिल गया, और रेट भी इसका अच्छा था। आई वुड से इट्स नॉट वेरी अफोर्डेबल, अगर इस टाइप का चूड़ा आप मार्केट में लेने जाएंगे तो आपको इसी रेंज में या फिर इससे महंगा ही मिलेगा। सो गाइज़, ये था मेरा आज का मीशो बैंगल्स हॉल, और ये हॉल करने में मुझे तो बहुत ही मज़ा आया, और ये सारी बैंगल्स जो है मैंने अपने लिए ही ली हैं। एंड दिस इज़ अ नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो, तो जो भी मैंने आपके साथ रिव्यू शेयर किया है वो मेरा एक जेन्युइन फीडबैक और रिव्यू था इन बैंगल्स के बारे में। इस फेस्टिव मंथ को सेलिब्रेट करने के लिए मैं आपके लिए बहुत सारे मीशो हॉल्स लेके आई हूँ, सो डू चेकआउट माई चैनल फॉर अदर वीडियोज़। उनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगी, उसमें आपको क्लोदिंग हॉल, ज्वेलरी हॉल और बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा। प्लस अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूँ कि मैं बहुत सारे DIYs और आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स वीडियोज़ भी शेयर करती हूँ, तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल अगर आप वो सारे वीडियोज देखना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन अनदर वीडियो वेरी सून। बाय बाय।